किसी व्यक्ति को आरोपी बनाने में पुलिस की विवेकाधीन शक्तियां किस प्रकार दोषी की किस्मत बदल सकती हैं, इसका एक आदर्श उदाहरण सलमान हिट एंड रन मामले में देखने को मिला। मामले में कई मोड़ आने के बाद पुलिस पर सलमान खान जैसे असरदार और अमीर लोगों के बचाव करने का आरोप भले ही लगता रहा हो, लेकिन खुद सलमान खान कानून के शिकंजे से बचने का रास्ता नहीं निकाल पाए। तारीख 28 सितंबर 2002, सलमान खान ने मुंबई के बांद्रा में 5 व्यक्तियों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। शुरुआती जांच के बाद पुलिस के पास 2 विकल्प थे। पहला, सुपरस्टार को छोटे अपराध के लिए आरोपी बनाना, जिसमें लापरवाही के चलते एक व्यक्ति की मौत हो जाना शामिल था। दूसरा विकल्प, इसे एक गंभीर अपराध मानना था, जिसमें गैर इरादतन हत्या का मामला बनता था। पुलिस ने सलमान खान को राहत देते हुए छोटे अपराध को चुना, जिसमें सुपरस्टार को सिर्फ 2 साल की सजा का प्रावधान था। हालांकि सुनवाई के दौरान सलमान खान के बॉडीगार्ड के बयान से पूरे मामले का रुख ही बदल गया। एक समय सलमान खान का बचाव करते हुए बॉडीगार्ड ने दावा किया था कि वारदात के दिन लैंड क्रूजर वो खुद चला रहा था, जबकि उसने अदालत को बाद में बताया कि उसने सलमान खान से तेज गाड़ी न चलाने को कहा था। सलमान खान के ड्राइवर रहे रविंदर पाटिल ने अदालत को बताया कि उसने आगे मोड़ होने को लेकर सलमान खान को बताया था, बावजूद इसके सलमान खान ने 90 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई। 2007 में पाटिल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की खबर भी चौंकाने वाली थी। इसके बाद मामले ने नया मोड़ तब ले लिया जब अभियोजन पक्ष ने गैर इरादतन हत्या के आरोप की मांग की। इस गैर इरादतन हत्या में सलमान को 10 साल की सजा हो सकती है। यह दूसरा मौका है जब बॉलीवुड के सुपरस्टार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पूरे मामले में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता ने न्यायालय के फैसले पर खुशी जाहिर की है। सलमान के मामले में आज चार्जेस सलमान को एक्सप्लेन किए गए और सलमान ने प्लीड नॉट गिल्टी कहा, जिस पर चार्जेस फ्रेम किए गए और अब ये न्याय प्रणाली जो है का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा और सरकारी पक्ष की तरफ से जो गवाहों को तलब किया जाना है उन पर न्यायाधीश ने आज के बाद समन्स इश्यू करेंगे और फिर गवाहों को बुलाकर उनका बयान कलमबंद किया जाएगा। कोर्ट में 228 सीआरपीसी के तहत सलमान खान पे चार्जेस फ्रेम कर दिए गए। जज ने सलमान खान को सामने खड़ा करके चार्जेस उनको बताए और जो उनपे है कल्पेबल होमसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, गैर रातन हत्या का 304 पार्ट 2 का चार्ज लगाया गया। साथ ही साथ 337, 338 रैश ड्राइविंग कॉजिंग एंडेंजरिंग हर्ट एंड टू द लाइफ ऑफ द अदर पर्सन की भी चार्जेस लगाए गए। हालांकि सलमान खान शुरू से अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। मामले की सुनवाई अब 19 अगस्त से शुरू होगी, जिसके बाद ही सुपरस्टार की सजा की घोषणा हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।